गांजा तस्कर महिला गिरफ्तार। सीहोर में किराने की दुकान में बेचा जा रहा था गांजा, पुलिस ने 1 किलो गांजा किया जब्त। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं MP7 News। आप MP7 News चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार करते हुए अक्सर पकड़े गए आरोपी ज्यादातर पुरुष रहे हैं, लेकिन अब महिलाएं भी नशे के कारोबार में शामिल हो रही हैं। हाल ही में सीहोर जिले में एक महिला द्वारा गांजे की तस्करी करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार महिला किराने की दुकान की आड़ में लंबे समय से गांजा बेचने का काम कर रही थी। सोमवार को पुलिस द्वारा पकड़े गए एक शातिर बदमाश ने पूछताछ में महिला गांजा तस्कर के बारे में खुलासा किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह महिला गांजा तस्कर से गांजा लिया करता था। आरोपी के बयान के आधार पर पुलिस ने महिला से 13,300 रुपए का अवैध गांजा जब्त कर महिला को हिरासत में लिया है। 1 किलो से ज्यादा गांजा किया जब्त। नसरुल्लागंज थाना पुलिस लगातार अवैध गांजा तस्करों पर नकेल कसने में जुटी हुई है। पुलिस ने सोमवार को गांजा तस्करी के आरोपी शिव कुमार उर्फ शिवा जयसवाल, पिता हरिशंकर उम्र 45 वर्ष निवासी छिंदगांव मोजी को गिरफ्तार किया था। वहीं पूछताछ में आरोपी ने सर्वहर कॉलोनी निवासी चंद्रकांता उर्फ कांता उर्फ लोधनबाई, पति मनोहर कौशल उम्र 50 वर्ष से गांजा खरीदना बताया था। आरोपी के बयानों के आधार पर तत्काल टीम गठित कर योजनाबद्ध तरीके से महिला को हिरासत में लिया गया। महिला की दुकान व घर की तलाशी के दौरान पुलिस को दुकान के काउंटर पर रखे प्लास्टिक के झोले में अवैध गांजा मिला है। गांजे का वजन करीब 1 किलो 400 ग्राम है, जिसका बाजार मूल्य 13,300 रुपए बताया जा रहा है। महिला इस तरह करती थी गांजे का धंधा। आरोपी महिला चंद्रकांता उर्फ कांता उर्फ लोधनबाई एक अन्य व्यक्ति से गांजा खरीदकर लोगों को पुड़िया बनाकर